आज हम बनाएंगे सेम्बल की सब्जी। तो ये सेम्बल है, इसे सिल्क कॉटन भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसे काटने में इसके अंदर जो फूल होता है उसे निकालना होता है, और उसके साइड में जो डंटल सा इसका बोट होता है वो काटना होता है। तो इसे मैं काट रही थी, बहुत टाइम लग गया, काफ़ी टाइम, हद से ज़्यादा एक कटा लग गया था इसे निकालते निकालते। क्योंकि फिर इसके अंदर ना ये आप देख रहे हो पिंकश पिंकश सा है, इसे भी मैं हटा रही थी तो इसलिए बहुत टाइम लग गया था। तो ये हमारा मसाला है, प्याज लहसुन अदरक टमाटर इसी में डलेगा। तो यहाँ पे हम ये ठंडे पानी से पहले धोएंगे इसे। धोने के बाद फिर हम गर्म पानी कर लेंगे, गर्म पानी से भी इसे धोना पड़ेगा। तो हम पानी चूल्हे पे बिठा दिया है गर्म करने के लिए, तब तक हम मसाला पीस लेते हैं। ओके चलो आओ। तो मसाले में आपको बताइए था क्या क्या है, लहसुन और प्याज और अदरक, ये तीनों को पीसेंगे, टमाटर को नहीं पीसेंगे, टमाटर को ऐसे ही डालेंगे। तो इसी के साथ हमारा मसाला भी पीस चुका है और पानी भी गर्म हो गया है। तो मसाला को हम प्लेट में उठा लेते हैं और पानी भी निकाल लेते हैं गर्म पानी। तो उसे हम वॉश करेंगे एक दो बार, और उसके बाद थोड़े से मतलब गर्म पानी ऐसे रख देंगे, उसके अंदर गर्म पानी में 2 मिनट और भिगो के रख देंगे। और इसे ना अच्छे से मचल मचल के कुचल कुचल के धोना है गर्म पानी में। तो ठंड था तो इसलिए गर्म पानी में हाथ लेने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो गया, तेल के ऊपर जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया है, और ये हमारा पेस्ट है मसाले का। तो इसे भूनने तक, ये 2 मिनट भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे। और टमाटर के बाद बहुत ही ज़रूरी है नमक, तो हम अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है। अब डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। अब इसके अंदर हमने सेम्बल भी डाल दिया, तो सेम्बल को कम से कम 5 मिनट तक इसे बॉईल करना है, मतलब तेल के साथ भूनना है और फ्राई करना है अच्छे से। उसके बाद डालना है सूखी रेड मिर्च डालने के बाद फिर इसे हिलाना डुलाना है 1 मिनट तक, फिर भूनना है इसे। उसके बाद 1 मिनट भूनने के बाद पानी डाल देना है, देखो हो गया, पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद जो हमारा मोस्ट होता है ढकना, तो हम ढकेंगे अब इसे, ढकने के बाद फिर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 5-6 मिनट। तो 5-6 मिनट बाद ये हम प्लेट हटा दिया, देखो कितना बहुत धुआं था हो रहा था, वो तो मैंने एडिट करके काट दिया, वरना बहुत धुआं हो गया था, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, बस धुआं। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर डाल के फिर निकाल लेंगे। और हम धनिया डालने में भूल गए थे, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, न कोई बात नहीं, ऐसे भी खा सकते हो। या तो आपके पास सूखी वो मसूर क्या होता है मेथी, कसूरी मेथी होता है, हाँ वो थोड़ा सा मसल के डाल देना लास्ट में, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। बाकी आपकी मर्जी, ऐसे भी हमारे साथ जैसे सिंपल भी खा सकते हो। ये देखो अब हम निकाल लेंगे इस वॉक। तो हमारा बनके सब्जी तैयार है, अब हम खाएंगे। ये हमारा चावल और ये हमारी सब्जी, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्ट था। और मैं इसके फ़ायदे भी बता दूँ सेम्बल के, ये पता है ज़्यादातर लेडीज़ों के लिए खाना सही होता है, जैसे कि कमर दर्द वगैरह होते हैं, लेडीज़ों की कितनी प्रॉब्लम होती है ना, उन सारी चीज़ों के लिए अच्छा होता है। आपके उधर अगर मिलता है तो आप ज़रूर से खाना और अपने दर्द कम करो, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है एक लड़की को, एक लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर पेट में दर्द होता है और ऐसे कमर में दर्द वगैरह जैसे लेडीज़ प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, तो आप इसे अच्छे से खा सकते हो रोज़ बना बना के, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है।
ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट कुक व्लॉग में। ओके एंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना हमारी रेसिपी कैसी बनती है, कैसा लगता है आप लोगों को। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे, लव यू ऑल।